हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर। Difference of their parameter is 24 meters. Find the sides of the two squares. The sides of two squares हमें find करनी है। तो यहां पे पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, टू स्केयर्स बना लेते हैं। अब जब उनका पैरामीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, यानी कि उनमें से एक जो स्केयर होगा वो लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा, तो हम टू स्केयर्स बना लेते हैं। एक स्क्वायर हम ये बना लेते हैं, रफ बनाया हमने, और दूसरे को थोड़ा हम स्मॉलर बना लेते हैं। एक हम ये ले लेते हैं, अब आप देखिए इनकी साइड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इनकी जो साइड्स है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनके एरियाज के बीच में रिलेशन है और इनके पैरामीटर के बीच में रिलेशन है। तो ये जो स्केयर है, लार्जेस्ट स्केयर है, इसकी साइड को हम मान लेते हैं एक्स मीटर, और जो ये स्मॉलर स्केयर है इसकी साइड को हम मान लेते हैं वाई मीटर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखते हैं कि लेट साइड of larger square that is equal to x meter। अब आप देखेंगे कि find the sides of the two squares है, square one square two, ऐसा कुछ नहीं, आप square one square two कर ले, लेकिन आपको फिर भी माइंड में सोचना पड़ेगा कि कौन सा larger है और कौन सा smaller है। तो हमने सीधा ही कह दिया कि let the side of the larger square is x meter and साइड ऑफ स्मॉलर स्केयर दैट इज वाई मीटर। अब ये हमने ले लिया। अब इनके एरिया की बात हो रही है और इनके पैरामीटर की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे एरिया एरिया ऑफ लार्जर स्केयर क्या होता है, एरिया साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ये भी साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, इसकी साइड वाई है तो वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात कर ली। अब हमें बात करनी है किसके कंटेक्स्ट में, पैरामीटर के कंटेक्स्ट में। हम लिखेंगे कि पैरामीटर ऑफ लार्जर स्केयर क्या होता है, पैरामीटर स्केयर का 4 इंटू साइड है एक्स, यानी कि 4x मीटर। इसी तरह से पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्केयर, ये भी 4 इंटू साइड, 4 इंटू वाई, यानी कि 4y मीटर। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन वन में देखो क्या है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्केयर, ये जो एरिया है दोनों स्केयर के, इनका सम क्या है हमारे पास, एक्स स्केयर और वाई स्केयर। ये एरिया फर्स्ट वाले लार्जर का एरिया भी, ये स्मॉलर का एरिया, इनका जो सम है वो कितना है 468। एक कंडीशन ठीक इसी तरह
तरह से एक कंडीशन और है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन है द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, तो पैरामीटर का डिफरेंस, लार्जर का पैरामीटर ये है तो लार्जर का पैरामीटर भी लार्जर होगा, स्मॉलर का पैरामीटर स्मॉलर, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर कितना है इज 24 मीटर, यानी कि ये किसके इक्वल है 24 मीटर। इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 4 वी गेट, जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए यहां से इसको आप 2 मानना चाहो तो इसको 2 मान सकते हो और इसको 3 मान लें, आप इसको मानना चाहेंगे तो हम इसको यूज करेंगे तो इसी को 2 मान लेते हैं। अब यहां से आप क्या करें, x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू कितनी आई 6 प्लस वाई, ये हमारे पास 3 हो गई, ये x की वैल्यू 1 के अंदर पुट कर दें, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट x की जगह लिख दिया 6 प्लस वाई, वो x स्क्वायर है तो 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, इसका स्क्वायर किया 36, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई तो ये आ गया 12y प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 468, तो ये हमारे पास y स्क्वायर ये हो गया और ये भी y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 12y प्लस के 36 है और माइनस के ये इधर ले आते हैं, ये पर अभी रहने दो, दैट इज इक्वल टू 468। अब 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस करेंगे तो 86 से हमारे पास 2 आ जाएगा, यहां पे ये 3 आ जाएगा और ये 4 कैसे माइनस के दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां पे पहुंच गए। अब ये भी देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 वी गेट, उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाना चाहो तो फैक्टर बना सकते हो, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ सकता है, नहीं तो आप सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a इज 1 b इज 6 c इज माइनस 216 तो d इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac यानी कि 6 स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 216 तो d इज हमारे पास आ गया 36, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 से करनी है इसकी तो ये हमारे पास 16 की 4 करेंगे 64 और 2 की करेंगे तो 8, 64 और 30 100 हो जाएंगे पूरे तो ये 900 हो गए, ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे रियल और अनइक्वल। अब रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि y में चल रहा है काम तो y लिखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये हमारे पास 900 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू b की वैल्यू रखनी है हमें बी बी 6 तो माइनस 6 माइनस 6 प्लस माइनस रूट 900 30 का स्क्वायर 900 होता है तो 30 मिल जाएगा डिवाइड बाय 2। अब यहां से
एक बार हम y की वैल्यू -6 + 30 डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं और एक बार y की वैल्यू -6 - 30 डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 आ जाएगा और यहां से y इज इक्वल टू -36 डिवाइड बाई 2 यानी कि -18 नेगेटिव हो गया तो रिजेक्टिव। क्यों? ठीक है, तो साइन है बिकॉज साइन ऑफ ए स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, या जनरल भी लिख सकते हैं कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। अब वाई की जो वैल्यू है यहां पर रखें, नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3, वाई है हमारे पास, सॉरी एक्स है हमारे पास, इक्वेशन 3 है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 6 + y और ये आ गया कितना 6 + 12 यानी कि 18। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, हम लिख सकते हैं सो साइन ऑफ स्क्वायर्स आर क्या क्या है, एक तो है 18 सेंटीमीटर एंड दूसरी है 12 मीटर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पूरा लिखना, तो आप पूरा लिख दें कि साइन ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इज लार्जेस्ट स्क्वायर एक्स यानी कि 18 मीटर और स्मॉलर भी कितनी आ जाएगी 12 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आप आंसर को चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, इसकी जो साइड है वो 18 है, 18 सेंटीमीटर है यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 18 आई है तो इसका एरिया कितना होगा, 18 की 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 324 और इसकी जो साइड आई है वो 12 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 12 आई है तो इसका एरिया कितना होगा 144, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 8, ये 6 और ये 4, तो बिल्कुल सही है, जो एरिया का सम था वो 468 था। पैरामीटर, पैरामीटर 4 होता है तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो पैरामीटर का डिफरेंस हमारे पास कितना था, 24 था, इट मींस हमने जो अपना आंसर है उसको वेरीफाई कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 है वो कंप्लीट हो जाती है, एक बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। प्यारे बच्चों जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। यहाँ पे आपको जैसे हमने इसको इस इक्वेशन को जब हमारे पास इक्वेशन बन गई है तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया है, आपकी मर्जी है, अगर आप इसको फैक्टर मेथड से करना चाहते हैं तो फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड से करना चाहते हैं तो कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।